Hello dear students, welcome to an Academy Accelerate channel. My name is Manoj Chauhan and you are watching an Academy Accelerate channel meant for IIT JEE aspirants. Dear students, आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास, बहुत ही reputed faculty, Vibrant के director and HOD Mathematics, Pankaj Joshi sir. आप लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा. He needs no intro from my side. And जो भी बच्चे serious aspirants हैं IIT JEE के, they also know him very well. बच्चों, पंकज जोशी सर का इंटरव्यू लेते हुए मैं थोड़ा नर्वस था रहा हूँ. पंकज जोशी सर के बारे में आपको बता ही दिया. ही हैज प्रोड्यूस न्यूमरस टॉप रैंक्स फ्रॉम कोटा. ही हैज बीन टीचिंग इन वाइब्रेंट एकेडमी फॉर मोर देन 10 इयर्स नाउ. आइए पंकज जोशी सर से कुछ बातें करते हैं, कुछ जानते हैं. आई वुड लाइक टू स्ट्रेट अवे गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर ऑनलाइन में पूछते हैं मेरे से. पंकज जोशी सर, वेलकम टू अन एकेडमी. थैंक यू मनोज. Thank you for such nice words for me. Thank you. Sir, बच्चे आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपका बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं. आपकी बहुत पहले से डिमांड आ रही थी कि कब सर आएंगे और अन अकेडमी पर लाइव क्लासेस लेंगे. और अब काफी बच्चे जो है उनको हम बोल पाएंगे कि यस, कई वाइब्रेंट के डायरेक्टर्स अब जो है अन अकेडमी पर लाइव पढ़ाएंगे. सर, बच्चों का अक्सर ये सवाल होता है कि टॉप रैंकर्स, क्योंकि सर आपसे ही सुनना चाहेंगे क्योंकि आप इतने सीनियर फैकल्टी हैं, तो बच्चों को आपकी बात का ज्यादा वजन लगेगा. मैं तो बताता ही हूँ पर आपकी बात का ज्यादा वजन है, तो इसलिए सर आप भी प्लीज एक बार शेयर करिए कि टॉप रैंकर्स सर खाते क्या हैं, टॉप रैंकर्स दिखते कैसे हैं, टॉप रैंकर्स क्या बचपन से जीनियस होते हैं, और सर क्या टॉप रैंकर्स को कभी कोई डाउट आता है या नहीं आता. इस बारे में सर बच्चे बहुत ही ज्यादा उनको लगता है कि हमें जानना चाहिए. सर प्लीज शेयर द योर फीडबैक अबाउट दिस. मनोज सर, मैंने अपने जीवन के अंदर जितना बच्चों को पढ़ाया है और जितना मैं टॉपर्स के इंटरेक्शन किया है मैंने, तो एक बात तो मैं बता दूं कि कोटा के अंदर खाएंगे तो वही जो मेस में मिलेगा. तो कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं खाते हैं, बहुत मॉडरेट खाते हैं. ये जरूर बात है कि थोड़ा सा वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि खाना ऐसा हो कि थोड़ा लेथार्जिक, सुस्त ना हो जाए. जैसे रात के समय में वो थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं, राइट. और जहां तक बात है कि जीनियस की, ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. एज सच जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं वो बच्चे बहुत ऑर्डिनरी किस्म के लेकिन बहुत मेहनती बच्चे होते हैं. जो परसिस्टेंस है बच्चों का, जो कॉन्टिन्यूस फेथ है टीचर पर, और जो होमवर्क करने को जद्दोजहद है, जो प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने का जो उनका जज्बा है, वो उनको टॉपर बनाता है, जिसको हम लोग जीनियस बोल देते हैं. सही बात है. थैंक यू सर. सर उनके डाउट्स, सर उनको डाउट्स आते हैं. हाँ, एक बात, हाँ, मैं जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि यहाँ पर जो अभी सेकंड रैंक, जो आईआईटी जेई के अंदर सेकंड रैंक आया था साहिल, तो आप बिलीव कीजिए वो साहिल जो लड़का था अपने साथ में हमेशा एक नोटबुक लेके चलता था, और मुझे वो कई बार लिफ्ट में भी मिला वाइब्रेंट एकेडमी की, और उसने तुरंत लिफ्ट में जाते ही मुझसे पूछा कि सर आप कौन से फ्लोर पर जा रहे हैं. तो उसके बाद में उसने पूछने लग गया, डाउट पूछने लग गया. और ऐसे नुमरस एग्जांपल्स हैं, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं. तो ऐसा नहीं है कि डाउट्स नहीं आते टॉपर्स को, जबकि टॉपर्स को डाउट ज्यादा आते हैं बिकॉज वो ज्यादा क्वेश्चंस को करते हैं. सर, बच्चे सर आपके बारे में एज अ टीचर तो जानना ही चाहते हैं, पर शुरुआत करते हैं सर, आपका बचपन कैसा था और सर आप पढ़ाई में कैसे थे, आप कौन कौन से गेम्स खेलते थे, और सर आपकी स्कूल की लाइफ, और कोई टीचर जो आप मेंशन करना चाहें जिनका आपकी लाइफ पर बड़ा इम्पैक्ट रहा हो, और सर आपने एंट्रेंस एग्जाम्स की जो तैयारी की है सर, उस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा था. प्लीज शेयर दिस इन्फो सर विद आवर स्टूडेंट्स. मनोज सर, मेरा जो चाइल्डहुड था बहुत ही मेलोडियस चाइल्डहुड कहूंगा, मेरा बहुत हैप्पी चाइल्डहुड रहा है. मैं पढ़ने वाला, बहुत अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट था. मैं राइट फ्रॉम क्लास वन से लेकर मैट्रिक तक मैं क्लास स्कूल के अंदर टॉपर रहा. फिर उसके बाद में इलेवेंथ में एज यू नो कि क्योंकि अपना बोर्ड था नहीं तो थोड़ा रिलैक्स हो गई. मुझे क्रिकेट का भी बहुत शौक था और मैं बहुत सारे गेम्स और भी खेलता था, तो मैं फिर गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया. 11th, 12th तो मैंने बहुत ज्यादा गेम्स खेले, तो उतना पढ़ाई नहीं किया. और चूंकि मैं एक छोटे टाउन से था, जब 12th तक मैं था तो राजस्थान के एक छोटे से टाउन श्रीगंगानगर से मैं बिलोंग करता हूँ, और तब वहां पर इतनी अवेयरनेस
एंट्रेंस एग्जाम की थी भी नहीं, तो जो कुछ किया अपने से किया, तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने, तो कुल मिला के अच्छा जीवन रहा, चाइल्डहुड तो बहुत अच्छा रहा। सर मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है, और सर आपको पता ही होगा अनअकैडमी इज ऑफिशियल पार्टनर फॉर यू नो आईपीएल दिस सीजन व्हिच इज बीइंग प्लेड। सर आगे बढ़ते हैं, सर सर आपने कब डिसाइड किया कि आपको ये टीचर यू नो बनना होगा, और या यू नो आपको लगा कि यस मतलब दिस इज द जॉब व्हिच आई मेंट फॉर आगे के लिए, आगे की लाइफ के लिए। और सर आपका जर्नी अब तक जो एज अ टीचर रहा है सर, उसके बारे में कुछ बच्चों के साथ शेयर करिए सर प्लीज। मैंने ना बीटेक करने के बाद में, मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, और उस कंपनी में 3 साल काम करने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मैं इन मशीनों के साथ में काम करने शायद लायक नहीं हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। और उसके बाद में मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता रहा कि मुझे सबसे ज्यादा किस काम में मजा आता है। ठीक है, उस वक्त मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाया करता था जयपुर के अंदर, तो वो भी किसी दोस्त ने कहा कि यार मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, अगर तू 2-3 महीने इसको पढ़ा देगा तो इसका भी काम हो जाएगा और थोड़ा तेरे को पैसा भी मिल जाएगा। तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, तो जब मैं उसको पढ़ा रहा था तो मुझे बड़ा मजा आने लगा। तो इन दिस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पढ़ाने के लिए ही बना हूं। तो उस बच्चे को जब मैंने पढ़ाया और मुझे मजा आया, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स बी अ टीचर। तो इस तरह से मैं इस फील्ड के अंदर आया। और सर अब आप यू नो यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैकल्टी इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, और मैथमेटिक्स में सर आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं बच्चे। सर कैसा लगता है सर ये मतलब यू नो ये व्हाट यू कॉल स्टारडम पा करके सर, मतलब ये फीलिंग कैसी है सर? मनोज सर कभी भी मैंने अपने आप को अदर देन टीचर नहीं माना, स्टार बहुत ग्रेट स्टार या जैसे लोग कहते हैं ना, मैं उस कभी भी उस सीरीज के अंदर आया ही नहीं। मैंने अपने आप को हमेशा एक लर्नर माना, हमेशा एक टीचर माना, और कोशिश की कि मैं अपना 100% दे पाऊं बच्चों को समझाने में। बस मेरा इतना ही विजन है, इतना ही काम है। बच्चों आपने देखा यहाँ पर सर यू नो अपने आप को यू नो स्टार होने के बावजूद कितना हमली ही इज एबल टू यू नो पुट हिमसेल्फ, और बच्चे भी मतलब यू नो इतना इजीली रिलेट कर पाते हैं सर के साथ, सर की बातें बहुत आराम से समझ पाते हैं। really, you know, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सर अब अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे। सर सर एक टीचर कितना प्रिपेयर करके सर क्लास में घुसता है सर, इसके बारे में बच्चों को बताइए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं। प्लीज सर शेयर दिस। इसके बारे में मनोज सर मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ कि तुम लोग बोलते हो कि हमें होमवर्क इतना देते हो सर आप, हमें 2 घंटे काम करना पड़ता है, या आप 1.5 घंटे क्लास के अंदर पढ़ाते हो। मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप किसी सिंसियर टीचर की मेहनत को अगर आप देख लेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक क्लास को प्रिपेयर करने के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करने पर, और एकदम बुलजाई आईआईटी के ऊपर रखकर उस पूरे करिकुलम को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हर क्लास को प्रिपेयर करने में क्लास से कहीं ज्यादा टाइम लगता है, ताकि हम इफेक्टिवली बच्चे को वो बता सके जो उसके काम का है। यस यस थैंक यू सर। सर कोटा के अंदर जो जैसे मैं सर मुझे याद है जब मैं कोचिंग यू नो मैंने ज्वाइन किया था तो 11th में सर मेरे घर के पास में होम ट्यूशन थे फिजिक्स के केमिस्ट्री के, मैं सभी तीनों तो ज्वाइन नहीं कर पाया था एक साथ क्योंकि दे वर नॉट अंडर वन रूफ और सभी बहुत दूर दूर थे। और लास्ट 20 ईयर्स में सर काफी माहौल चेंज हुआ है सर, इसके बारे में सर बताइए, और कोटा का कैसा यू नो इम्पैक्ट रहा है ओवरऑल यू नो कोचिंग के एटमोसफियर पर इन इंडिया? सी मैंने कोटा को बहुत नजदीक से 2002-03 के बाद में, मैं 2004 से तो मैं कोटा के अंदर ही हूँ, तो मैंने कोटा को ग्रो करते हुए देखा है, कोटा को मैंने एक ब्रांड बनते हुए देखा है, कोटा कोचिंग। सी मनोज सर मेन बात यह है कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स काम करते हैं, मैक्सिमम टीचर्स अद्भुत हैं, वो इतनी जबरदस्त मेहनत करते हैं, तो एज सच कोटा के अंदर कोई मिराकल नहीं हुआ है। बहुत सारे टीचर्स की बहुत सालों तक परसिस्टेंट मेहनत ने कोटा को एक नाम दिया है, और यहाँ पर निश्चित रूप से बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, और एक रूफ के नीचे आपको सब चीजें सिस्टमेटिक वे के अंदर मिल जाती है, और बाकी तो बच्चे की मेहनत है। यस
बच्चों तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बहुत ध्यान से सुना आपने सर का जवाब। बच्चे की मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, टीचर्स ने मटेरियल प्रिपेयर कर रखा है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल सही सटीक है एंड दैट इज लिटरली लाइक यू नो IIT एडवांस लेवल, बट बच्चे की मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना ठीक है। सर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग सर आप कहाँ पर टाइम स्पेंड करना सर पसंद करते हैं, और सर प्लीज शेयर दिस योर लेजर टाइम सर प्लीज। मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं, तो उसमें सबसे पहला काम जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो एक तो मेरा मैक्सिमम टाइम, अभी लॉकडाउन के अंदर तो टाइम और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते, तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है या हॉबी है, मैं बहुत ज्यादा उसके लिए सोचता हूँ, पढ़ता हूँ। और दूसरा मुझे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू रोम अराउंड लाइक विदाउट एनी एम, मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगता है कि आप बाइक उठाते हैं, कार उठाते हैं या पैदल भी निकल जाते हैं, बिना किसी पर्पस के आप घूमते हैं, मुझे माउंटेन्स में घूमना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बच्चों देखो अपने माइंड को कूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देर आर वेरियस वेज, यू नो टॉप टीचर्स, टॉप यू नो स्टार पीपल लाइक पीजे सर, यू नो दे यू नो अपने माइंड को कूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर जिस तरह से अपने माइंड को कूल करते हैं वैसे आपके पास भी यू नो ऐसी हॉबीज, ऐसी आदतें होनी चाहिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा कूल हो। आप पढ़ाई करें बहुत ज्यादा और वापस लौट के आए और थोड़ा सा यू नो ये कूल चीजें करें। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या नहीं करना है। बच्चों वाइब्रेंट और अनअकैडमी दे आर नाउ टुगेदर, और वाइब्रेंट के सभी डायरेक्टर्स अब लाइव क्लासेस लेंगे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। सर कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट कि कब से वाइब्रेंट अकेडमी के डायरेक्टर्स अनअकैडमी पर सर पढ़ाना चालू करेंगे सर, प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन सर प्लीज। हाँ मनोज सर, हम लोग 20th November से वाइब्रेंट अकेडमी के सभी 7 डायरेक्टर्स अनअकैडमी के ऊपर कोर्स शुरू करेंगे और जल्द ही इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सर बच्चों ओके सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, 20th November प्लीज लॉक कर लीजिए डेट को, कैलेंडर्स लॉक कर लीजिए। 20th November पे यू नो वाइब्रेंट के सभी डायरेक्टर्स अपना एक कोर्स लॉन्च करेंगे, यू विल बी अपडेटेड। और सर अपनी स्पेशल क्लासेस के बारे में भी सर बता दीजिए, और जो सर आपकी आने वाली है स्पेशल क्लासेस। हाँ अभी विद इन अ डे और टू आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि मेरी एक स्पेशल क्लास लगाई जाएगी, तो उसके बारे में जल्द ही आपको बता देंगे। श्योर श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर बच्चों का अक्सर यू नो मैंने देखा कि बच्चे अक्सर भटक जाते हैं या बच्चे अक्सर यू नो इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते क्योंकि IIT की तैयारी होती इतनी लंबी है, 2 साल की तैयारी होती है। तो सर आपका बच्चों को कोई मैसेज, वो आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या ऐसे बच्चे भी मतलब केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, ऐसे बच्चे जिनके सपने थोड़े बड़े हैं, तो उनको सर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सर आपका उन बच्चों को कोई मैसेज प्लीज सर। हाँ सबसे पहली बात तो मनोज सर ये है कि किसी भी काम को करो ना उसको बड़ी शिद्दत से करो, 100% अपना एफर्ट लगा लो। मुझे याद आता है मैं एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा था और मेरे साथ में मेरा दोस्त भी था, हम लोग जयपुर में ही थे, तैयारी कर रहे थे, तो जब मेरे मार्क्स आए, रिजल्ट आया, तो मैं 1 नंबर शॉर्ट रहा क्वालिफाई करने से, जो पहले मेंस एग्जाम हुआ करता था। तो उस समय मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या हुआ, लेकिन तो फिर मैंने उसी मोमेंट पर सोचा कि हो सकता है मेरे लिए जीवन के अंदर और कुछ अच्छा लिखा हुआ हो। फिर उसके बाद में जब मुझे टीचिंग करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि यार मैं बना ही इसलिए था, तो शायद मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं गया। तो कोई चीज छूटती है तो उसका अफसोस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गॉड्स के तुम्हारे लिए अलग प्लान है, तो अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि आपका आपके मन का हो तो अच्छा और आपके मन का नहीं हो तो और अच्छा, क्योंकि वो आपके मन का नहीं है तो वो उसके मन का है। सही बात। तो बच्चों अपना 100% दो, तुम कोई भी काम करो, चाहे वो JEE की प्रिपरेशन हो चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो, अपना 100% दो, ठीक है। और उसके बाद में रिजल्ट कुछ भी हो उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कभी भी नेवर एवर गिव अप, कभी हार मत मान। और इतिहास के अंदर n नंबर ऑफ कहानियां ऐसी हैं जो तुमको ये बताती हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है,
किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर फॉर योर दिस यू नो वाइज वर्ड्स। सर बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुना आपने, आपको मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं है, केवल 2 साल और बमुश्किल 2.5 साल अगर आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट किए, 2-2.5 साल की आपकी अच्छी तैयारी और फिर उसके बाद आप अपनी मंजिल पर, ओके ऑलमोस्ट, मतलब बहुत इजीली मैंने बोल दिया पर इतना आसान नहीं होता है। खैर, थैंक यू सो मच सर फॉर यू नो गिविंग अस टाइम, और सर अनअकैडमी के एक्सीलेंट के यू नो जो सब्सक्राइबर्स हैं दे आर वेरी थैंकफुल, और टेक केयर सर, बाय बाय। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मनोज सर, आपने बहुत लिबरल और बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज किया, और वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड कि हम लोग अनअकैडमी पे के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाएंगे और बहुत सारे बच्चों के कॉन्टेक्ट में आएंगे। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर।